हिस्ट्री का सबसे रोमांचक मैच न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड। सुपर ओवर हो गया इस मैच में और जिस सुपर ओवर ने सबकी सांसें थामी। वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी मैच में सुपर ओवर हुआ हो। स्टॉक्स और बटलर बल्लेबाजी करने आए। स्टॉक्स ने पहली गेंद पर 3 रन लिए, उसके बाद बटलर ने अगली गेंद पर 1 रन लिया। स्टॉक्स ने चौका जड़ दिया, उसके बाद स्टॉक्स ने 1 रन लिया। पांचवी गेंद बटलर ने 2 रन लिए और छठी गेंद पर बटलर ने चौका लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने 15 रन बना लिए, यानी न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 16 रन बनाने थे। न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे मार्टिन गुप्टिल और नीशम, दोनों पर उम्मीदें थी न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जिताने की। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए आर्चर, पहली गेंद ही वाइड चली गई, उसके अगली गेंद पर नीशम ने 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर नीशम ने शानदार छक्का जड़ दिया। लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत कर ही जाएगा और देखते ही देखते आखिरी गेंद आ गई। अब 2 गेंद थी, 2 गेंद पर 3 रन चाहिए। सेकेंड लास्ट गेंद पर 1 रन आ गया और आखिरी गेंद थी गुप्टिल के पास। गुप्टिल ने शॉट तेज मारा लेकिन उस गेंद पर 1 रन आया और रन लेने के चक्कर में बल्लेबाज आउट हो गया और न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने हरा दिया। हालांकि सुपर ओवर में भी स्कोर की बराबरी हो गई थी 15-15 रन। सुपर ओवर में ज्यादा बाउंड्री लगाने को लेकर इंग्लैंड को जीत दे दी गई और न्यूजीलैंड को ये मैच हरा दिया गया। हालांकि इस मैच में जबरदस्त खेल जरूर देखने को मिला, दांतों तले उंगली दबा देने वाला, सांसें रोक देने वाला, आंखें बंद कर देने वाला। आपको ये 6 गेंदें कैसे लगे अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।